भगवान विष्णु के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? क्या भगवान ने अधर्म का नाश करने के लिए सिर्फ 10 अवतार लिए? श्री हरि, विष्णु, नारायण, कृष्ण, इन सभी नामों में क्या फर्क है? क्या भगवान कलयुग में भी अवतार ले चुके हैं? क्या सृष्टि रचयिता श्री विष्णु जी सिर्फ इंसान रूप में ही अवतार लेते हैं? सृष्टि के पालन पोषण के लिए अब तक भगवान ने कब कब कैसे हालात में और कितनी बार अवतार लिया है? पुराणों में भगवान के अवतारों का वर्णन किस तरह से किया गया है? इसकी पूरी जानकारी देने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना न भूलें, क्योंकि यही आपको मिलेगा सनातन धर्म का सच्चा ज्ञान। यदा पंचभिरात्म सृष्टि पुरम विराजम विरचय तस्मिन् स्वांसेन विष्टः पुरुषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेवः। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के चतुर्थ अध्याय में सातवें योगीश्वर थ्रुमिल जी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी पांच भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से पुकारा जाता है। यही उनका पहला अवतार भी है। हालांकि श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय में श्री सूत जी का कहना है, एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम् यस्यान् सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यड् नरादयः। अर्थात भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि एक तरफ द्रुमिल जी भगवान के पुरुष रूप को पहला अवतार बता रहे हैं, तो श्री सूत जी सनकादि मुनियों को पहला अवतार कह रहे हैं। इसे समझाने के लिए हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंध के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक को सुनाते हैं, जो श्री सूत जी भगवान के पहले अवतार को लेकर कह रहे हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। अर्थात उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार्ग सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। पहला अवतार श्री सनकादि मुनि। दरअसल सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कौमार्ग सर्ग में तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के चार मुनियों के रूप में अवतार लिया। भगवान ने इन चार बालक रूप ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके बहुत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। इन चारों ने प्रकट होते ही मोक्ष मार्ग को अपनाया। ये भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार माने जाते हैं। दूसरा अवतार वराह अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सूत जी कहते हैं, द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरः वपुः। अर्थात दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए सभी यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। बता दें कि भगवान के इसी सूकर रूप को वराह नाम दिया गया था। दरअसल जब ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को सृष्टि में प्रजा बढ़ाने की आज्ञा दी, तो उन्होंने परमपिता से भूमि की मांग की। उस वक्त हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने भूदेवी को सागर के अंदर अपना तकिया बना लिया था और देवताओं के डर से विष्ठा का घेर बना लिया था। यहाँ हम बता दें कि विष्ठा का अर्थ होता है मल, गंदगी। जब ब्रह्मा जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि देव तो विष्ठा के पास तक नहीं जाते,
सिर्फ सूकर ही है जो उसके समीप जा सकता है। ब्रह्मा जी को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और तभी उनकी नासिका से अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। ब्रह्मा जी उनके बारे में सोच ही रहे थे कि वो शिशु पर्वत के समान आकार होकर गरजने लगा। इसके बाद देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान वराह सागर में घुस गए और जल में डूबी पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर ऊपर आ गए। ये देख दैत्य हिरण्याक्ष ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्रोध से भरे भगवान वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तीसरा अवतार, नारद अवतार। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 3रे अध्याय में श्री सूत जी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह तत्सात्वतमा चष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। इस श्लोक के जरिए सूत जी ने कहा है कि ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में 3रा अवतार ग्रहण किया और सात्व तंत्र का उपदेश दिया। सात्व तंत्र को आप सभी नारद 5 रात्र के नाम से भी जानते ही होंगे। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका पूरा उल्लेख है। नारद जी ने घोर तपस्या से देवर्षि के पद को प्राप्त किया है। ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। वैसे देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। चूंकि विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों में लिखा है कि खुद भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, ऐसे में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में खुद भगवान विष्णु ने भी नारद रूप में अवतार लेकर देवर्षि की उपाधि हासिल की है। चौथा अवतार, नर नारायण। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणावृषि भूत्वात्मोपसमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 3रे अध्याय में श्री सूत जी भगवान के 4थे अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से उत्पन्न मानस पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में 4था अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों पर सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। बता दें, भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए इन 2 रूपों को धारण किया था। इस अवतार में भगवान विष्णु मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र और वक्ष स्थल में श्रीवस्त के चिन्ह थे। उनका पूरा वेश तपस्वियों के समान था। 5वां अवतार, कपिल मुनि। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध 3रा अध्याय 10वां श्लोक, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम् प्रोवाचासुरये सांख्यम् तत्वग्राम विनिर्णयम्। इस श्लोक के जरिए श्री सूत जी कहते हैं, 5वें अवतार में भगवान विष्णु सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। ये सांख्य शास्त्र पूर्व काल में समय के फेर से लुप्त हो गया था, इसीलिए सांख्य शास्त्र को दोबारा जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। कपिल मुनि के पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। द्वापर युग में शेरशय्या पर भीष्म पितामह ने जब देह त्यागी थी, उस समय वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ कपिल मुनि भी वहाँ मौजूद थे। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक माने जाते हैं। 6ठा अवतार, दत्तात्रेय अवतार। षष्ठे यत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्यः उचिवान। इस श्लोक के जरिए श्री सूत जी कहते हैं,
अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में भगवान विष्णु अत्री की संतान दत्तात्रेय बनकर आए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। दरअसल एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पतिव्रत पर बहुत गर्व हो गया। उस समय भगवान ने उनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। एक दिन नारद जी तीनों देवियों के पास बारी बारी पहुँचे और उनसे कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने ये बात अपने अपने पतियों को बताई और उन्हें देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। त्रिदेव साधु वेश धरकर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। उस वक्त मुनिवर अपने आश्रम में मौजूद नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से निर्वस्त्र होकर भिक्षा की मांग की। पहले तो देवी अनुसुईया उनकी इस मांग को सुनकर चौंक गई, लेकिन साधुओं का अपमान न करने के मकसद से उन्होंने अपने पति का मन ही मन स्मरण किया और कहा कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु के रूप में परिणत होकर रोने लगे। तब माता अनुसुईया उन्हें गोद में लेकर दूध पिलाने और झूला झुलाने लगी। ये देख तीनों देवियाँ व्याकुल हो गईं और देवी अनुसुईया के पास जाकर माफी मांगने लगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को उनके मूल रूप में कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उनसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। सातवां अवतार यज्ञ। ततः सप्तम आकूत्याम रुचेर यज्ञो भ्यजायत सयमाद्यै सुरगणै अपास्वायाम भुवांतरम। भगवान विष्णु के सातवें अवतार के बारे में श्री सूत जी कहते हैं, रुचि प्रजापति की आकूति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मन्वंतर की रक्षा की थी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि स्वयंभुव पहले मन्वंतर का नाम था और स्वयंभुव मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकूति का जन्म हुआ था। भगवान यज्ञ के उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र पैदा हुए। वही स्वयंभुव मन्वंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभेर जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्वधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। श्री सूत जी कहते हैं, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों को वो मार्ग दिखाया जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है। बता दें, महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यहाँ हम आपको ऋषभ के नाम के पीछे का राज भी बता देते हैं। दरअसल ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। राजा नाभि ने जब अपने पुत्र का अत्यंत सुंदर शरीर देखा, उसकी कीर्ति, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूर वीरता आदि गुणों को समझा तो उसका नाम ऋषभ रखने का फैसला किया। भगवान विष्णु के बाकी 16 अवतारों की कथा हम अपनी अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। पहले 8 अवतारों की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री हरी।